नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डफ स्टडी चैनल पे। फिर से दोस्तों आप सभी के बीच आज लेटेस्ट अपडेट के साथ, बड़ी अपडेट के साथ, तमाम सूचनाओं को लेकर, चाहे वो टीजीटी पीजीटी नई शिक्षक भर्ती प्राइमरी को लेकर हो, एमआरसी आदेश पे हाईकोर्ट की तरफ से रोक लगाई गई है, छात्रों के लिए खुशखबरी भी है। दूसरी तरफ अगर बात करें विद्यालय आवंटन थर्ड सूची के बारे में भी अपडेट कवर कर लेंगे, तो बनवाई सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करें। सुपरटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2021 के लिए, तो अकेडमी लेकर आए कंप्लीट बैच कोर्स एम सुपरटेट 2021, जिसमें आपको मिलेंगे सभी सब्जेक्ट क्लासेस। स्टार्ट दिया जनवरी से। एनरोल करने के लिए लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, आज ही एनरोल करें सुपर टीटी के लिए, शिक्षक भर्ती के लिए कंप्लीट बैच कोर्स आपको मिलेगा। साथ ही आज ही टीटी कोड इस्तेमाल करना बिल्कुल ना भूलें, डिस्काउंट और फ्री क्लासेस के लिए लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन करें तो अकेडमी आपके लिए लेकर आए लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज फॉर सीटेट 2021 के लिए। 11 जनवरी से 30 जनवरी तक आप इसे एक्सेस कर सकते हैं शाम 5 बजे से, वो भी बिल्कुल फ्री अकेडमी पर। इस कोड का इस्तेमाल करें आरआरजी टीटी, इसको अनलॉक करने के लिए, साथ ही सभी फ्री क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आज ही डाउनलोड करें अकेडमी लर्निंग ऐप, आरआरजी टीटी कोड इस्तेमाल करना बिल्कुल ना भूलें। इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। अगर आप रीट की प्रिपरेशन करें तो अकेडमी आपके लिए लेकर आए कंप्लीट बैच कोर्स रीट प्राइमरी लेवल के लिए। स्टार्ट 11 जनवरी से। एनरोल करने के लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, जिसमें आपको मिलेंगे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स। अकेडमी पर लर्निंग ऐप डाउनलोड करके आप लोग इस बैच को एक्सेस कर सकते हैं। आरआरजी टीटी कोड का इस्तेमाल करना बिल्कुल ना भूलें। ज्यादा जानकारी के लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही अकेडमी पर मेरा रेफरल कोड यूज करना बिल्कुल ना भूलें, इससे आपको फ्री लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, साथ ही जो क्विजेस है वो बिल्कुल फ्री मिलेंगी। और अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वहां पे आपको मिलेगा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट आरआरजी टीटी कोड के साथ। प्लस में आपको मिलेंगे बहुत सारे फीचर्स, घर से बैठकर लाइव पढ़ सकते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं सभी कोर्सेज पर, प्रैक्टिस टेस्ट अटेम्प्ट करने का मौका मिलेगा, सभी बैच को एक्सेस कर सकते हैं, मेंटरशिप एंड गाइडेंस भी मिलेगी, एग्जॉस्टिव कवरेज होगी सभी सिलेबस पर, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन भी होगा, साथ ही लाइव टेस्ट अटेम्प्ट करने का मौका मिलेगा, लाइव टेस्ट सीरीज भी होगी, स्टडी मटेरियल भी मिलेगा पीडीएफ फॉर्मेट में। ज्यादा जानकारी के लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। अनअकैडमी पर टीटी प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हैं 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 12 मंथ के लिए, सभी प्राइसेस आपके सामने लिखे हुए हैं। सभी बैच को एक्सेस करने के लिए एक ही सब्सक्रिप्शन काफी है, यूज करिए आरआरजी टीटी कोड, इससे आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट। तो वीडियो की शुरुआत सबसे पहले की जाएगी टीजीटी पीजीटी को लेकर, साथ ही नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर। जैसा कि आप सभी को पता है कि टीजीटी पीजीटी के लिए लगातार अभ्यर्थियों के माध्यम से यहां पर धरना प्रदर्शन दिया गया, जिसके अंदर मांग थी चाहे वो टीजीटी की भर्ती हो, 97,000 प्राइमरी शिक्षक भर्ती हो, इसके अलावा अगर हम बात करें जैसा कि आपको पता है दरोगा भर्ती, UPSSC और भी तमाम मांगों को लेकर अभ्यर्थियों के माध्यम से धरना प्रदर्शन दिया गया, जहाँ पर प्रतियोगी छात्रों ने अपनी तमाम मांगे रखी। जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख पा रहे हैं अपने जो ज्ञापन है वो भी यहाँ पे सौंपे गए। ज्ञापन के अंदर मांगे क्या क्या थी वो भी आप सभी को बताया है। तमाम भर्तियों को लेकर आगामी समय के अंदर 6 महीने विज्ञापन जारी करके सभी भर्तियों के खाली पदों को भरा जाए। ऐसे में कहने की धरना प्रदर्शन के अंदर काफ़ी अभ्यर्थी पहुँचे भी थे, लेकिन शासन प्रशासन की तरफ से पुलिस बल को बुलाकर यहाँ से हटवाया गया। एक आश्वासन के तहत अभ्यर्थियों को यहाँ से हटाने का जो प्रयास है वो किया गया, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं चाहे वो टीजीटी का विज्ञापन हो या फिर नई शिक्षक भर्तियों का या फिर तमाम जितने विज्ञापन लटके हैं उनको लेकर फिलहाल एक आश्वासन ही मिलता है और अगले दिन सूचना अखबारों के अंदर भी आ जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक कोई परिणाम या फिर कोई हल देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में अगर बात करें नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए, जैसा कि आप सभी को पता है आज का जो धरना प्रदर्शन वो किया गया था, यहाँ पे आश्वासन मिला है कि जल्दी टीजीटी पीजीटी को लेकर साथ ही नई भर्तियों को लेकर जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी, लेकिन ऐसे में आप सभी को पता है एक ट्विटर वायरल भी किया गया जिसके अंदर यहाँ पे जो मांगे वो रखी गई शिक्षक भर्ती के लिए, जहाँ पे अभ्यर्थियों का जो मुद्दा है वो पहले नंबर पर ट्रेंड भी हुआ, जिसकी जानकारी पिछले वीडियो के माध्यम से आपको दे दी गई थी। तो ऐसे में 97,000 को लेकर ट्विटर पर तो कामयाबी मिली, लेकिन सड़कों पर जो अभ्यर्थी उतरे थे अब इसका कितना प्रभाव पड़ेगा ये आगामी समय के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ बात करें एक और बड़ी अपडेट को लेकर, जो कि है एमआरसी से संबंधित। एमआरसी आदेश पे हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है, या फिर यूं कहें कि डबल बेंच ने यहाँ पे स्टे लगा दिया है। स्टे किसके ऊपर लगाया है? सिंगल बेंच के आदेश के ऊपर। अंतरिम आदेश भी दिया गया है, लेकिन ऐसे में अभी तक जो आदेश है वो अपलोड नहीं हुआ है। यहाँ पर जो जानकारी है मैं आप सभी को समझाना चाहूँगा। एमआरसी का मामला आप सभी को बताएं कि 68,500 से शुरू हुआ था, 69,000 में भी इसको लेकर विवाद है, हालांकि अभी तक कुछ हुआ नहीं इस मुद्दे को लेकर, हालांकि तमाम सुनवाइयां हुई है ना, लेकिन एमआरसी को लेकर 68,500 के अंदर जो आदेश दिया गया था सरकार को, वहां पे कुछ ऐसे अभ्यर्थी थे जो कि ओबीसी एससी के अभ्यर्थी, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी थे, जिनका गुणांक तो अच्छा था लेकिन ज्यादा गुणांक होने के बाद भी उनको होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला। अब ऐसे में उन सभी अभ्यर्थियों को यहां पर कहने की चीजें देखने के लिए मिली कि कम गुणांक वाले अभ्यर्थी को उनका होम डिस्ट्रिक्ट मिल गया। उनकी तरफ से याचिका कोर्ट के
अंदर डाली गई। मामला काफी लंबे समय तक कोर्ट में चला। बाद में कहीं ना कहीं कोर्ट ने अधिकारियों के और कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर सरकार को फटकार लगाई और अभ्यर्थियों को राहत दी कि इन सभी अभ्यर्थियों को दोबारा से डिस्ट्रिक्ट अलॉट करवाए जाए, मतलब मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं MRC, उन अभ्यर्थियों को यहाँ से राहत मिल गई। शिकार करके यहाँ पे एक ऑर्डर देखने के लिए मिला जिसके आधार पर सरकार को आदेश दिया गया। सरकार ने उस आदेश को नहीं माना, अभ्यर्थियों के माध्यम से अवमानना याचिका डाली गई, फिर नहीं माना, फिर दोबारा से डाली। यहाँ पर बेसिक के अधिकारियों को फटकार भी लगी, तमाम जानकारियाँ मिली, लेकिन ऐसे में सरकार की तरफ से अक्टूबर महीने के अंदर एक याचिका डाली गई डबल बेंच के अंदर, इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर। यहाँ पर मांग की गई इस आदेश पर रोक लगाने की या फिर पुनर्विचार करने की। तो ऐसे में इसी मुद्दे को लेकर जो MRC का आदेश था सिंगल बेंच का, उस पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। तो ऐसे में आगामी समय के अंदर जो अगली सुनवाई होने वाली है वो 21 जनवरी को होगी। क्या होगा क्या नहीं ये तो आगामी समय बताएगा। 69,000 में भी इसका मामला चल रहा है, लेकिन ऐसे में फिलहाल जो MRC को लेकर 68,500 में मामला था, उन अभ्यर्थी को होम डिस्ट्रिक्ट देने की चीज़ें थी, उस पर फिलहाल रोक लगा दी गई है डबल बेंच की तरफ से। बाकी ऑर्डर अपलोड होने के बाद में जो भी जानकारी निकलती है वो आप सभी को दे दी जाएगी। तो ऐसे में ये तो बात हो जाती है MRC को लेकर। वहीं दूसरी तरफ 18 तारीख को MRC मुद्दे पर भी सुनवाई होने वाली है जो कि 69,000 से संबंधित है। क्या होगा उस पर बाद में देखा जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात के 69,000 छात्रों के लिए अच्छी खबर है। लगातार अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर डटे हुए थे, अपनी मांगें कहीं ना कहीं सरकार के सामने रखने का जो प्रयास है वो कर रहे थे। तो उसी क्रम में आज जो मुलाकात है वो अभ्यर्थियों की देखने के लिए मिली। बेसिक शिक्षा मंत्री जी के साथ में अपना ज्ञापन सौंपा गया, अपनी मांगें रखी गई। उसी क्रम में जानकारी आप सभी के सामने यहाँ पे भी आ जाती है। अभ्यर्थियों ने तमाम मांगों को लेकर मीटिंग हुई जहाँ पे अपनी मांगों को लेकर मंत्री जी को अवगत कराने का प्रयास किया गया। ऐसे में मामला क्या है वो आप सभी को बताना चाहूँगा। मामला है दिव्यांग अभ्यर्थियों का, जिनको लेकर लगातार धरना प्रदर्शन दिया जा रहा था। यहाँ से आश्वासन भी मिला है। महानिदेशक का कहना था कि थर्ड काउंसलिंग होने तक आपको इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन अभ्यर्थियों का कहना है कि हमारा जो अनशन है वो लगातार जारी रहेगा। तो ऐसे में उसी को लेकर यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो देखने के लिए मिल रही हैं। हालांकि यहाँ से एक बार फिर से जो आश्वासन है वो मिला है, अब कितना इस पर अमल किया जाएगा, क्या होगा, क्या अभ्यर्थी अपना धरना प्रदर्शन बंद करेंगे, ये तो बाद में पता चलेगा। संशोधन वाले अभ्यर्थी भी धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है। तो ये तो दोस्तों बात हो जाती है मंत्री जी के बारे में। लेकिन दूसरी तरफ बात करें 36,590 विद्यालय आवंटन को लेकर। कल जैसे ही अभ्यर्थियों को यहाँ पर सूचना मिली कि आगामी समय के अंदर और भी मामला डिले होने वाला है, ऐसे में शासन प्रशासन के सामने या फिर अगर बात करें अभ्यर्थियों के माध्यम से और शिक्षक संघ के माध्यम से अपनी जो मांगें वो रखनी शुरू कर दी गई हैं। लगातार अभ्यर्थियों की परेशानियों को लेकर जो 36,590 के विद्यालय आवंटन को लेकर परेशान है, उनके सामने आ रही तमाम समस्याओं को लेकर यहाँ पे जो चीज़ें वो देखने के लिए मिली है, मुलाकात की गई। मुलाकात के अंदर क्या क्या हुआ है पहले आप लोग इमेज के माध्यम से देखिए, उसी क्रम में यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। प्राथमिक शिक्षक संघ के माध्यम से बदायूं पदाधिकारियों द्वारा आज BSA रामपाल राजपूत जी को वार्ता की गई, जिसमें अवगत कराया गया कि COVID-19 के चलते विद्यालयों में शिक्षण कार्य न होने के बावजूद 50 से 60 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ रही, और भी तमाम जानकारी आप सभी के सामने आ रही है। साथ ही इसके साथ जनपद के कुछ विकास क्षेत्रों के अंदर खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा 69,000 शिक्षक भर्ती द्वितीय चरण के नवनियुक्त शिक्षकों की उपस्थिति शासन द्वारा BRC पर लगाए जाने के नियम विरुद्ध शिक्षकों और शिक्षिकाओं के सुदूर क्षेत्रों के विद्यालय आवंटन को लेकर यहाँ पे चीजें देखने के लिए मिली हैं। और तमाम जानकारियां हैं, अभ्यर्थी कहीं ना कहीं होटल के अंदर, धर्मशाला के अंदर किराए का कमरा लेकर यहाँ पे कहीं ना कहीं समय पास कर रहे हैं। 40 से 50 किलोमीटर उनको जाना पड़ रहा है और भी तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में जितने भी यहाँ पे शिक्षक जो चयनित हुए हैं उनको जल्दी से विद्यालय आवंटन करवाया जाए, इसको लेकर जो मांग है वो रखी गई है। हालांकि शासन प्रशासन की तरफ से जानकारी मिली है कि एक हफ्ते आपको और इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि संशोधन को लेकर एक हफ्ते से ज़्यादा का समय लगने की संभावना बताई गई है। तो ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में ये भी सवाल आता है थर्ड काउंसलिंग को लेकर कि सर कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि थर्ड काउंसलिंग नहीं होगी, बाद में सरकार की तरफ से ये कह दिया जाएगा सीटें नहीं बची हैं। ऐसा होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा जो भी अभ्यर्थी थर्ड काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं कहीं ना कहीं उनके लिए थोड़ी समस्याएं हैं, उनको यहाँ पे और इंतजार करना पड़ेगा जब तक विद्यालय आवंटन नहीं हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि बाद में आकर के आप सभी की काउंसलिंग नहीं करवाई जाएगी। काउंसलिंग तो अवश्य होगी, लेकिन थोड़ा सा डिले हो रहा है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब तक संशोधन वाले मामले क्लियर नहीं हो जाते सीटों की संख्या बढ़ेगी भी, यहाँ पर कम भी हो सकती है ना, क्योंकि यहाँ पर 1,000 छात्रों को लेकर फैसला होना है। अब कितने अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा, कितनों को नहीं, इसको लेकर फैसला होगा।
36,590 विद्यालय आवंटन के लिए कितने छात्र जाएंगे कितने नहीं, ये भी चीज़ें आप सभी के सामने आएंगी। तो कहीं ना कहीं थर्ड काउंसलिंग तो होगी। फरवरी के अंदर अभ्यर्थी का कहना था कि चुनाव आयोग का मामला देखने के लिए मिलेगा, तो आपको याद होना चाहिए कि 31,000 के लिए परमिशन मांगी गई थी, मिल भी गई थी, 36,590 को नहीं मिली थी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप लोगों को यहाँ से ये नहीं होगा, आपकी चयन सूची तो जारी हो सकती है। अगर काउंसलिंग नहीं भी हो पाती, नियुक्ति पत्र नहीं भी मिल पाते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन उम्मीद ऐसी है कि यहाँ से आगामी समय के अंदर जैसे ही विद्यालय आवंटन होते हैं, एक हफ्ते के अंदर थर्ड काउंसलिंग शुरू करवा दी जाएगी। ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, परमिशन मिल जाती है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, जल्दी आप सभी के सामने चीज़ें देखने के लिए मिलें। क्योंकि थर्ड काउंसलिंग के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 6,000 से 7,000 अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। अगर 75 प्रदेश के अंदर देखे जाएँ तो अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि अभ्यर्थी बट जाएंगे। तो थर्ड काउंसलिंग वाले ज़्यादा परेशान मत होइए, 100% काउंसलिंग देखने के लिए मिलेगी। साथ ही वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।